हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना शॉपिंग ब्लॉग। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग मेला घूमने गए थे, तो मेले में से मैं क्या क्या सामान खरीद के लाई वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बता दिया था, जो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी जो मैंने क्या क्या खरीदा है। तो बस आज मैं वही दिखाने के लिए आ गई हूँ जैसा मैंने कहा था। तो फिर चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने क्या क्या लाया मेले में से। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़े आइटम से स्टार्ट करती हूँ, तो वो है ये, एक मिनट, बहुत भारी है ये, देखिए ये है कारपेट। तो मैंने आपको मेले में अपना कारपेट का दुकान भी दिखाया था जहाँ हम लोग देख रहे थे, बहुत सारे कारपेट पसंद कर रहे थे, तो उसी में से एक मैंने लिया है। और इसे मैं पूरा खोल के ना थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। लेकिन जैसे कि देख सकते हैं बहुत बड़ा है और बहुत हेवी भी है, तो मैं इसे बाद में अच्छे से पूरा खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि बैठे बैठे तो मैं इसे आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो एक सबसे पहला चीज़ ये लिया है मैंने, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और प्राइस भी इसका रिजनेबल है। ये कारपेट मुझे पड़ा 2200 का, और ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था इसी साइज़ का कारपेट, इससे ज़्यादा ही उसका प्राइस है। और क्वालिटी का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मंगाया नहीं है ऑनलाइन, लेकिन ये वाली जो कारपेट है ये मैंने देखा, चेक किया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मैं इसे पूरा खोल के आपको दिखाऊंगी लास्ट में, पहले और भी छोटी छोटी कुछ चीज़ें लिए मैंने तो वो सब आपको दिखा दूँ। और उसके बाद सेकेंड चीज़ है ये एक और कारपेट। तो ये लेने का कोई था नहीं, मतलब पर्पस नहीं था, कुछ विचार नहीं था ये लेना है, लेकिन ये कैंडू को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो इसे देखते ही टाइगर, मम्मी टाइगर चाहिए, मम्मी टाइगर चाहिए, बस ऐसे करने लगा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। और ये जो मैट है ये फ्लोर पे नहीं रहता है, ये हमारे बेड पे रहता है, ये बेड पे लेके उससे खेलता है, तो ये उसने अपने खेलने के लिए लिया है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे खेलना वो बंद कर देगा, तब मैं इसे एज अ मैट, फुट मैट यूज़ कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो उसने खेलने के लिए लिया है, ये मेरे बेड पे ही रहता है हमेशा। और एक और मैट लिया है मैंने, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है, ये सेमी सर्कल मैट है, सेमी सर्कल शेप में है, ब्लैक कलर में है, और ये मैट भी बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ठीक है, और इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम में, बेडरूम में, जहाँ भी आप चाहें, लेकिन मैं बाथरूम के लिए नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसको धोने में और सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये 2 दिन में मुझे नहीं लगता, अभी गर्मी के टाइम में तो शायद सूख भी जाए, लेकिन बारिश में और विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो इसे देखती हूँ मैं कहीं और यूज़ करूँगी, या फिर बेडरूम में, या फिर हो सके तो मैं किचन में यूज़ करूँगी, कहीं भी करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये तो मैंने ले लिया। और इसका प्राइस है, ये ऐसे तो 250 प्राइस है, लेकिन हमने ये दो मैट और ये कारपेट सब एक साथ लिया तो हमको और भी डिस्काउंट मिला था, दोनों मैट और कारपेट इन तीनों का मिला के हमारा बिल हुआ था 3200 का, भाई मतलब 3200 का। तो उस पर डिस्काउंट करके और थोड़ा सा बार्गेनिंग तो मेले में चलता है, बार्गेनिंग करके हमने 2600 रुपये में ये सारी चीज़ें ली, 2200 का हमको मैट ये कारपेट पड़ा, और बाकी 400 में मेरे ये दो मैट आ गए। तो उसके बाद लिया है ये सनग्लास है, ये हर्षित का है, उसने खुद पसंद करके लिया है, उसकी पसंद का ही है ये, तो ये हर्षित ने लिया, और मैंने ये तो ब्लॉग में भी दिखाया था आपको, तो उसने यही वाला देख ट्राई कर रहा था और उसको पसंद भी आया तो उसने ख़रीदा है। और ये है लक्षित के लिए, यानी कैंडू के लिए, तो क्या बहुत लोगों को नहीं पता हो तो कैंडू का मतलब नाम लक्षित है, हम लोग घर में उसे ऐसे ही पैर से निक नेम उसको कैंडू बुलाते हैं। तो ये छोटा सा एक कैंडू के लिए लिया है, और ये ग्रीन कलर उसने पसंद किया, इसमें ब्लू भी था येलो भी था, तो उसने ग्रीन ही कहा, ग्रीन कलर ही लेना है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो उसके लिए ग्रीन है। और उसके बाद ये देखिए, ये एक मेरा है, ये मैंने लिया एक सनग्लास, कुछ इस तरह का है, लाइट ब्राउन कलर का, मुझे अच्छा लगा ये, तो पहन के दिखाती हूँ आपको, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है ये मेरे पे, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो बस ये 3 सनग्लास लिए हमने, ये है मेरा 250 का, और ये है 150 का, और ये है 50 रुपीज़ का। और ये सनग्लासेस ऐसे नहीं जो मेले में लिए हैं तो बहुत बेकार से हैं, ख़राब क्वालिटी के नहीं, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि ये मतलब दुकान की सनग्लासेस हैं, और ये जो मेले में जो दुकान था वो दुकान बिल्कुल हमारे एरिया जो है लोकेलिटी बड़ानगर है, बड़ानगर बाज़ार, बस उसी में उनका दुकान भी है, तो उन्होंने हमें कार्ड्स भी दिए हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता आप दुकान आकर उसे एक्सचेंज भी करा सकते हैं।
मतलब ऐसा होता है जो दुकान तो है उनका, लेकिन वो लोग मेले में भी अपने दुकानें लगाते हैं, तो दुकान का एडवर्टाइजमेंट भी होता है और मेले में सेल ज़्यादा होता है, तो इसलिए उन्होंने मैं दुकान का मतलब कार्ड भी दिया हुआ है, जो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ हो तो आप आके एक्सचेंज करा सकते हैं दुकान में आके। तो हम उनका दुकान भी जानते हैं, बारानगर बाज़ार में ही है, तो इसलिए हमने उनसे लिया है। तो ऐसा नहीं जो मेले का है तो बहुत चीप क्वालिटी का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। जैसे दुकान में आपको जो चश्मों की दुकानों में जब आपको सनग्लासेस मिल जाते हैं, तो मैंने तो ये 250 का ही लिया है, लेकिन इससे भी अच्छा अच्छा भी था, मतलब 450 का, 500 का, 350 का, अलग अलग रेट के थे, आपको जैसा भी चाहिए। तो मुझे ये वाला पसंद आया तो मैंने यही लिया। तीन बुक्स हमने लिए उसके लिए, तो वाइल्ड एनिमल और एक है फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स वाला सेम बुक उसके पास पहले भी था, घर में रखा हुआ है, लेकिन वो बुक पढ़ते पढ़ते ना मतलब पुराना हो गया, थोड़े पेजेस निकल गए उसके, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है एक और ले लेते हैं। और ये है डोमेस्टिक एनिमल, ये तीन बुक्स हमने लिए हैं उसके लिए, और ये बुक ना बहुत रीजनेबल भी है, ये सिर्फ 20-20 रुपीज़ के बुक मिले हैं मेले में, इतने सस्ते मिले हैं। तो ये सारे बुक्स सिर्फ 20-20 रुपीज़ के हैं, और ये इसका पिक्चर पेज भी बहुत अच्छा है, और पिक्चर क्वालिटी भी इसमें अच्छी है, देखिए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पिक्चर दिए हुए हैं एनिमल्स के, इसमें जो पिक्चर्स दिए हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो बच्चों को ज़्यादा और अच्छा लगता है, और पेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, 1, 2, 3, 4 पेज ही हैं इसमें, ऐसे 4 पेज हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, और बच्चों के लिए तो खास करके अच्छी है क्योंकि 20 रुपीज़ में ही है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, रीजनेबल भी है, और बहुत अच्छा बुक है। 20-20 रुपीज़ के ये तीन बुक है, तो 60 रुपीज़ में मुझे पड़ी ये तीन बुक्स मैंने लिए। और मैं उसके लिए ना कलर्स बुक भी देख रही थी, लेकिन मिले नहीं मुझे, यही तीन बुक्स थे, और मुझे नंबर्स और कलर्स बुक भी चाहिए थे उसके लिए, लेकिन थे नहीं वहाँ पे, नहीं तो मैं वो भी ले लेती, तो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं देखूँगी, अगर होगा तो लूँगी। और इसके अलावा भी कैंडू के पास बहुत सारे बुक्स हैं, क्योंकि उसे बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना। अगर आप कैंडू का बुक कलेक्शन देखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक दिन ना उसके उसके पास कौन कौन से बुक्स हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। और उसके बाद देखिए ये मैंने लिया, ये एक झुमका, ये गोल्डन कलर का झुमका है, और इसके नीचे ये छोटे छोटे वाइट बीड्स लगे हुए हैं, और आजकल ऐसे झुमके बहुत चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एक मैं भी ले लेती हूँ। और मेरे पास है एक और इस तरह का ही झुमका है, तो उसके ऊपर यहाँ पे मिरर वर्क वाला झुमका है वो, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा हैवी है, ऐसे रील्स बनाने के लिए वीडियो के लिए तो ठीक है पहन लो थोड़ी देर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे ज़्यादा देर पहन के नहीं रखा जाता है, कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं उसे बहुत कम ही पहनती हूँ। लेकिन ये झुमका अच्छा है, मतलब ज़्यादा वेट नहीं है इसका, लाइट वेट ही है ये, इसे आप पहन के दिन भर भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने ये गोल्डन में लिया है, इसमें वाइट बीड्स है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर भी थे, पिंक, ग्रीन, येलो, मतलब आपको जिस ड्रेस का मैचिंग चाहिए आपको उस कलर का भी ये झुमका मिल जाएगा। मैंने ये गोल्डन लिया ताकि ये सब पे चल जाए, और ये मुझे मिला है सिर्फ 100 रुपीज़ में। अब मैंने लिया ये रिंग, ये रिंग है, इसमें ये गणेश जी बने हुए थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये एक लिया। और ये है 30 रुपीज़ का, 30 रुपये का, ये है 30 रुपीज़ का, और इसमें भी बहुत सारा था, मतलब बहुत सारे डिज़ाइन थे, मतलब सिल्वर में, गोल्ड में, और अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन के थे, तो मुझे ये गणेश जी वाला अच्छा लगा, तो मैं ये लिया। और इसके बाद मैंने लिया ये एक चोकर सेट है, और ये भी गोल्ड में ही मैंने लिया है, देखिए, और इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन थे, बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी थे, डिज़ाइन भी थे, इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। वैसे ड्रेस पे तो नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन साड़ी और पे मुझे लगता है अच्छा लगेगा। और ये लिया है मैंने 50 रुपीज़ का, सिर्फ 50 रुपये में लिया, कितना अच्छा चोकर मिला है। इसके बाद मैंने ये क्लिप, ये पिन लिया है, इसमें ये वाइट कलर का मोती है, तो ये सब क्लिप ऐसे अच्छे लगते हैं, ऐसे साइड में बालों में इस तरह से लगा ले करके। और इसके बाद ये, और ये दो क्लचर्स लिए मैंने, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में सारा दिन किचन में काम करने के लिए ये मस्ट है, मतलब ओपन हेयर मैं नहीं रख सकती हूँ, तो मेरा मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो मेरे पास तो है ऐसे, लेकिन मैंने और दो ले लिए, क्योंकि ना मैं क्या है कभी भी कहीं सोती हूँ तो कभी बेड पे खोल के रख दी, कभी कुछ और काम हुआ तो कहीं रख दी, तो मेरे खोते रहते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखती हूँ। मेरे पास ये 5-6 एटलीस्ट होने ही चाहिए, और कभी कैंडू को मिल गया तो वही लेके ऐसे नीचे फेंक देता है बॉल की तरह, तो टूट भी जाते हैं, तो फिर मैंने इसलिए और दो ले लिए, बोले गर्मी आ रही है तो एक्स्ट्रा लेके रखना चाहिए एज अ सेफ साइड, क्योंकि एक दिन भी इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। वहाँ पे वुडन क्राफ्ट की दुकानें थी, तो वहाँ से मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, और ये पड़ा मुझे 200 रुपीज़ का, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पे सारी हैंडमेड चीज़ें थी,
मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड एक ही है, वो भी प्लास्टिक का है, वुडन नहीं था, तो मुझे लेना ही था, तो मुझे वहाँ अच्छा लग गया और ये रीज़नेबल भी लगा मुझे, क्योंकि दुकान में भी मैं लूँगी तो मुझे 200 से कम में तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा में ही पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा भी है तो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो फिर मैंने ले लिया यही। और लास्ट में ये देखिए जो मैंने आज पहना है ईयर रिंग, ये भी मैंने मेले से ही खरीदा है और ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ का पड़ा है, लेकिन ये बहुत सुंदर है और इस ड्रेस के साथ एकदम मैच कर रहा है, क्योंकि इस ड्रेस में भी यहाँ सब पे सिल्वर की गोटा पट्टी लगी हुई है और ये भी सिल्वर है, तो इसके साथ या फिर कोई भी सिल्वर वर्क के ड्रेस के साथ ही आराम से चला जाएगा। और ये बहुत हल्का है, मतलब मैंने पहना है पर लग ही नहीं रहा जो मैंने कुछ पहना है कान में, एकदम लाइट वेट है, मतलब बिल्कुल हल्का है। और अब चलिए मैं आपको कारपेट खोल के अच्छे से दिखा देती हूँ जो उसका डिज़ाइन कैसा है। आपको इनमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद आई वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो इसी के साथ बाय बाय।